Assalamualaikum, welcome to LinkedIn Solution. आज के इस स्पेसिफिक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप नून पे वेरिएंट लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। वेरिएंट लिस्टिंग का मतलब क्या है, वेरिएंट लिस्टिंग हम कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। कंप्लीट एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हम वेरिएंट लिस्टिंग नून पे कैसे कर सकते हैं जिसमें वेरिएशन हो कलर का, साइज का। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको कलर वेरिएशन का बता रहा हूँ किस तरह आप कलर वेरिएशन लिस्टिंग कर सकते हैं नून के ऊपर। कोई भी स्टेप आप मिस ना करें क्योंकि इसके स्टेप्स ऐसे हैं, अगर आप कोई भी स्टेप मिस करते हो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आप वहीं पे फंस जाएंगे, फिर आप कमेंट में मुझसे पूछते रहेंगे। तो इसलिए आप कोई भी स्टेप मिस ना करें, कंप्लीट वीडियो देखें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप देख सके और आप उससे फायदा हासिल कर सके। तो जी दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ मोहम्मद और आप देख रहे हैं लिंक इन सोल्यूशन यूट्यूब पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएंट लिस्टिंग नून के ऊपर के वेरिएशन जिस प्रोडक्ट में हो तो वो हम कैसे लिस्ट कर सकते हैं। अब वेरिएशन का मतलब क्या है, वेरिएशन का मतलब ये है कि किसी प्रोडक्ट में मल्टीपल कलर्स हो सकते हैं। लाइक अगर आप टी शर्ट सेल करते हो तो टी शर्ट के अंदर आपका जो है ना ब्लैक कलर भी हो सकता है, व्हाइट कलर भी हो सकता है, उसमें रेड कलर भी हो सकता है, उसमें साइज स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सएल ये भी हो सकता है। तो साइज वेरिएशन लाइक स्मॉल लार्ज एक्सएल, कलर वेरिएशन लाइक डिफरेंट कलर्स किसी प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इस तरह हम कैसे कर सकते हैं नून के ऊपर, तो आज की वीडियो में आपको बता रहा हूं। अच्छा जी दोस्तों, तो मेरे पास ये फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, मैंने इसको लिस्ट करना है और समझ ले योगा मैट में कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ कलर वेरिएशन है, इसमें साइज वेरिएशन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास हम दो कलर लिस्ट करते हैं और मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपने कैसे करना है। सबसे पहले आपने अपने सेलर लैब में आना है, ठीक है, जहाँ पे आपका नून का अकाउंट है, सेलर लैब है, वहाँ पे आपने आना है, कैटलॉग में आपने आना है और यहाँ पे कैटलॉग में आपको ऑप्शन मिलता है एड न्यू का, आपने सिंपली एड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट अ सिंगल प्रोडक्ट आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं ये वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आपने कैटेगरी चूज करनी है कि किस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हो, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत कैटेगरी में प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, एक तो वो अप्रूव नहीं होगी नून की तरफ से, अगर इनकेस सिमिलर किसी कैटेगरी में आपने एड कर दिया और नून ने अप्रूव भी कर दिया और आपका किसी गलत कैटेगरी में प्रोडक्ट गया है, तो वहां पे आपके ऑर्डर आने के चांसेस भी कम होते। सबसे पहले तो नून अप्रूव ही नहीं करता अगर आप गलत कैटेगरी में प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सही कैटेगरी चूज करनी है। अगर आपको कैटेगरी चूज करना नहीं आता किस तरह आप चूज करते हो, सिमिलर प्रोडक्ट नून पे ओपन करें, उसका लिंक जो है वो कॉपी करें, यहाँ पे आके उसका पेस्ट करें और यहाँ पे एंटर करें, तो आपको कैटेगरी जो है वो मिल जाएगी। जिस तरह मुझे ये योगा मेट्स के लिए ये कैटेगरी मिल गई, सिंपली मैं उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने ब्रांड चूज करना है, कौन सा ब्रांड है, किस ब्रांड का प्रोडक्ट आप लिस्ट करने जा रहे हो। तो मैं जेनरिक प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ, किसी भी ब्रांड का नहीं है, तो मैं जेनरिक या तो लिख दूंगा या नीचे इसको चेक करें दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी ब्रांड नेम, ये ऑटोमेटिकली जेनरिक हो जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे आए और नेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे पार्टनर एसकेयू दे दे, मतलब अपनी तरफ से इस प्रोडक्ट कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर आप अपनी तरफ से दे दे, या जनरेट पे क्लिक करें ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। मैं खुद लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ योगा मैट, ठीक है। यहाँ पे मैंने योगा मैट लिख दिया और मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया है, यहाँ पे मेरी लिस्टिंग जो है वो क्रिएट हो गई है, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं आऊँगा नीचे, यहाँ पे मैंने देना है कंटेंट और इमेजेस। सबसे पहले मैं ऐड इमेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इमेज अपने कंप्यूटर से जो है वो कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने इमेज लगाई है और इस इमेज को मैं फ्रेम में ला रहा हूँ और इसको मैं जो है ना फिक्स कर रहा हूँ और अपलोड पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरी ब्लैक कलर की जो इमेज है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब ये इमेज मेरे पास यहाँ पे आ गई है और अपलोड हो रही है, ठीक है। मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ तो इसको सेव करते हैं साथ साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी इमेज एक कलर की आ गई है और इसका कंटेंट हमने कैसे लिखना है, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है कंटेंट पे और ये सारी चीज़ों पे, लेकिन फिर भी चलो इसको मैं करता हूँ। यहाँ पे टाइटल मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से उठा लेता हूँ टाइटल, ताकि मुझे कंटेंट क्रिएशन में और इसमें टाइम ना लगे और मैं आपको वेरिएशन का समझा सकूँ। यहाँ पे मैंने टाइटल लिख दिया। यहाँ पे हमने अरेबिक में भी टाइटल लिखना होता है, तो अरेबिक में टाइटल लिखने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्रांसलेटर का, गूगल ट्रांसलेटर का। तो यहाँ पे टाइटल आप पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आपको अरेबिक में ट्रांसलेट होके मिल जाएगा, यहाँ पे आपके आप पेस्ट करें, ठीक है। ये भी हो गया। यहाँ पे डिपार्टमेंट आप करें, ये बेबीज के लिए है, एडल्ट यूनिसेक्स के लिए है, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं वो आप दे दें। यहाँ पे आते हैं बुलेट्स डिस्क्रिप्शन की बारी, हम बुलेट्स डिस्क्रिप्शन देते हैं। बुलेट्स डिस्क्रिप्शन क्या चीज है, जो वन बाय वन हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, लाइक ये है, ये है, ये है बुलेट्स, इसको हम बोलते हैं बुलेट्स डिस्क्रिप्शन। ये आप खुद से भी लिख सकते हो, आप एआई से भी लिखवा सकते हो, जैसे भी करके आप यहाँ पे वो लिखे, और मतलब कंटेंट क्रिएशन का इसका वीडियो का नहीं, सिर्फ लिस्टिंग में आपको बता रहा हूँ सिंपली, और आपको वेरिएशन बता रहा हूँ। अगर मैंने भी यहाँ पे ब्लैक कलर जो है वो लिस्ट किया है और अभी मैंने दूसरा कलर भी इसमें ऐड करना है ताकि
कस्टमर को दो कलर देके नून के ऊपर और वो ऑर्डर करे। देखो यहाँ पे कहाँ गया प्रोडक्ट, ये है। इस प्रोडक्ट में अगर आप देखें, इसमें दो वेरिएशन है, एक ब्लू है एक ग्रे है। हमने भी ऐसे वेरिएशन शो करने हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे ब्लैक ऐड कर दिया है, तो हमने एक और कलर इसके बाद ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन की बारी है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी ये जिसको हम ओवरव्यू कहते हैं, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी हम यहाँ पे दे देते हैं। अरेबिक में देना है तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ट्रांसलेट करवा के आसानी से यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कंटेंट, और बाकी जितने भी ये ऑप्शन है इसको आप देखें, और जो जो आपको प्रोडक्ट के बारे में पता है, हाइट वेट लेंथ और साइज वगैरह, ये सारी चीजें कलर और ये सब लिखें आप। एक कलर हमारा जो है वो ऐड हो गया है, ठीक है। अब हमने सेकंड इसका कलर ऐड करना है। यहाँ पे मैंने जो ऐड किया ये ब्लैक मैंने ऐड किया, ये इमेज आपको मैं दिखा रहा हूँ ऊपर, ठीक है, ये ब्लैक। अब मैंने एक और वेरिएशन इसमें कलर का ऐड करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ और ये नीचे आपको नजर आ रहा है लिंक ग्रुप, आपने इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू ग्रुप पे हम क्लिक करेंगे और एक नया ग्रुप करेंगे, ठीक है। नया ग्रुप हम किसके लिए बनाएंगे, कलर के लिए। तो यहाँ पे हम कलर नेम चूज कर लेते हैं और यहाँ पे देते हैं, लिखता हूँ, चलो ग्रुप नेम में लिखता हूँ कलर्स, ठीक है। क्रिएट ग्रुप पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्रिएट ग्रुप पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखो आ गया है ये, यहाँ पे देखो ऐड पार्टनर एसक्यू टू द ग्रुप। अभी इस ग्रुप को हम पार्टनर एसक्यू ऐड करेंगे, एक और कलर ऐड करेंगे। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ऐड एग्जिस्टिंग पार्टनर एसक्यू, क्रिएट न्यू पार्टनर एसक्यू। तो मैं क्रिएट न्यू पार्टनर एसक्यू पे क्लिक करूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे अकाउंट में कोई एग्जिस्टिंग सेम प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ पे क्रिएट न्यू पार्टनर एसक्यू, और यहाँ पे मैं उसका पार्टनर एसक्यू कुछ भी देता हूँ, या जनरेट पे क्लिक करके जनरेट हो जाएगी जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं योगा मैट, और अभी जो मैं लिस्ट करने जा रहा हूं वो पर्पल कलर है, ठीक है। तो मैंने पर्पल लिख दिया और मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। तो अभी यहाँ पे पर्पल कलर का जो एसक्यू है वो ऐड हो जाएगी वेरिएशंस में, ठीक है। इसको मैं क्रॉस कर रहा हूं और इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखे प्रोडक्ट ग्रुप में, यहाँ पे एसक्यूज हमारी जो है वो एक ये है, ठीक है, और एक ये है। दो एसक्यूज हमारे पास आ चुके हैं, एक हमने ब्लैक ऐड किया था और एक हमने ये। अब ये जो यहाँ पे ओपन है ये ब्लैक वाला है जो पहले हमने किया था, तो इसको हम सेव कर रहे हैं। कंटेंट को सबसे पहले आप सेव करके रखें, जब तक आप कंटेंट को सेव नहीं करेंगे और यहाँ इधर उधर आप इसको जाएंगे तो फिर कंटेंट जो है ना वो आपका चला जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट पे आता हूँ जो अभी मैंने ऐड किया है पर्पल कलर का। यहाँ पे ये पेंसिल का आइकन आपको नजर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कलर नेम लिखना है कि ये कौन सा कलर अभी आपने ऐड किया, ठीक है। वो जो हमने इससे पहले दिया वो एसक्यू था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्पल कलर, इसको अरेबिक में भी चाहिए तो अरेबिक में भी हमने लिखना है, तो इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, शायद गलत हो, कभी कभी ट्रांसलेटर भी ऐसा कुछ कर देता है। अच्छा, पर्पल कलर ये आ गया मेरे साथ, ओके, इसको हमने कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे आ गया पर्पल। अब यहाँ मैं इस पेंसिल आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये कौन सा कलर है मुझसे पूछ रहा है, ये कलर जो है ये हमने ब्लैक ऐड किया था, और यहाँ पे आके इसको भी कर रहे और ये भी अरेबिक में हो जाएगा, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास दो कलर्स आ गए, एक ब्लैक आ गया और एक पर्पल आ गया। अब यहाँ पे इसके प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हमने दे दी, ठीक है। अब जो सेकंड अभी हमने ऐड किया उसका इन्फॉर्मेशन अभी देना है हमने। सिंपल व्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे एक और विंडो में ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे अभी हम पर्पल इमेजेस ऐड कर देंगे। यहाँ पे सिंपल मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं जो है प्रोडक्ट इमेज यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक करके, और अभी जो पर्पल इमेज है यहाँ पे मैं वो लेके आता हूँ और वो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं अपलोड पे क्लिक कर रहा हूँ और ये भी अपलोड हो जाएगी ये इमेज, और सिंपल ये अपलोड हो गई है और हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी ये इमेज भी सेव हो गई है, हमारे दो कलर्स वेरिएशन बन गए। यहाँ पे एक ब्लैक का बन गया और एक पर्पल का बन गया। अगर ब्लैक में आपने कुछ चेंज करना है तो इस पे क्लिक करके करना है, और अगर आपने पर्पल में कुछ करना है तो इस पे करना है। कंटेंट इनका सेम, दोनों का सेम आ गया। कंटेंट तो सेम है, सिर्फ इमेजेस चेंज है, सिर्फ कलर चेंज है, सॉरी कलर चेंज है, कंटेंट पूरा सेम है। तो कंटेंट आपका चेंज नहीं होगा, आपके सिर्फ जो है ना वो कलर चेंज हो जाते हैं, इमेजेस चेंज हो जाते हैं कि एक पर्पल है एक ब्लैक है। तो इस तरह आप कलर वेरिएशन की लिस्टिंग कर सकते हैं नून के ऊपर, सेम आप साइज के लिए भी कर सकते हैं, कलर्स के लिए भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीका था कि लोग पूछ रहे थे कि हम किस तरह कलर वेरिएशन के लिस्टिंग कर सकते हैं जिस तरह बाकी लोग करते हैं, और यहाँ पे कस्टमर के लिए इजी होता है कलर चूज करना या साइज चूज करना। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ गई होगी और तरीका आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह हम नून पे जो है कलर वेरिएशन लिस्टिंग कर सकते हैं और वेरिएंट लिस्टिंग कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ ना आई हो, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।